डिस्कस करते हैं तो कहेंगे कि वास्तव में जो क्षारीय धातुओं के भौतिक गुण हैं उनमें देखेंगे कि इनका नेचर कैसा है, ठीक है, रंग कैसा है, कैसी दिखती हैं। तो देखिएगा क्षारीय धातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा सभी धातुएं चांदी जैसी श्वेत होती हैं, रजत श्वेत मुलायम होती हैं और सुनहरे रंग की होती हैं या सुनहरी धातु होती है। इन धातुओं का घनत्व कम होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। क्या होता है? आकार बढ़ता है। पोटेशियम धातु सोडियम की तुलना में हल्का होता है। घनत्व निम्न होगा इन चार धातुओं का, देखिएगा यहां पर। लेकिन जब अपन बात करते हैं पोटेशियम, ये जो है वो सोडियम से हल्का होता है। क्षारीय धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके धात्विक बंध दुर्बल होते हैं, जिसका कारण इनके एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। जो बाह्यतम कोष में एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से इनके धात्विक बंध दुर्बल हो जाते हैं और अपन कह सकते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक का जो मान होगा वो कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षारीय धातुएं और इनके लवण ऑक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अभिलाक्षणिक रंग, मतलब अलग अलग धातु क्षारीय धातुओं में सभी धातुएं ज्वाला के साथ अलग अलग रंग देती हैं। तो देखिएगा ज्वाला रंग कैसा कैसा यहां पर रंग मिलता है। तो अपन कह सकते हैं जब क्षारीय धातुओं को ऑक्सीजन के जार पर जलाया जाता है, ऑक्सीजन का जार अपन कह सकते हैं बुनसेन बर्नर, बुनसेन बर्नर की ज्वाला में इतनी ऊर्जा होती है कि इनके बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करवा देती है, ठीक है, और ये ज्वाला का रंग दिखता है। तो ये रंगीन ज्वाला के साथ जलते हैं, ओके, जैसे ये मेटल हो गए और ये कलर हो गया। लिथियम को जलाते हैं तो ये क्रिम्सन रेड कलर, मतलब क्रिम्सन लाल रंग के साथ जलता है। ये देखो ये बुनसेन बर्नर की ज्वाला पर जलाया जा रहा है। ऐसे ही सोडियम को तो ये गोल्डन येलो कलर के साथ जलता है। फिर पोटेशियम, ये पहले वॉयलेट कलर के फॉर्म में ज्वाला परीक्षण देता है। फिर रूबीडियम रेड वॉयलेट कलर में या रेड वॉयलेट लाल बैंगनी कलर में, और सीजियम जो है वो ब्लू कलर में जलता है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, यह उष्मा क्षेपी प्रक्रम है जो ज्वाला परीक्षण देखा जाता है। तो यहां पर ये क्या रहेगा? यह उष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। ज्वाला की उष्मा इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित कर देती है। जब यह इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी तलस्थ अवस्था में आता है तो स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जन के कारण ज्वाला को रंग प्रदान करता है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे ही ज्वाला मिली धातु को या धातु को एनर्जी मिलती है तो इनके जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी आद्य अवस्था में लौटता है तो स्पेक्ट्रम में उपस्थित दृश्य क्षेत्र विजिबल रीजन में विकिरण उत्सर्जन के कारण ज्वाला को रंग प्रधान होता है, ओके। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं ज्वाला परीक्षण के दौरान लिथियम से सीजियम तक उत्सर्जित होने वाली विकिरणों की ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है इनका जो कलर है वो बदलता चला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर कलर क्रिम्सन रेड है, गोल्डन येलो है, पहले वॉयलेट है, रेड वॉयलेट है और ब्लू है। तो अपन कह सकते हैं कौन सी क्षारीय धातु सर्वाधिक विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है? ये होती है सीजियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, विकिरण उत्सर्जन ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ क्वेश्चन है क्षारीय धातुओं के घनत्व का क्रम। तो क्षारीय धातुओं के घनत्व का जो रियल क्रम होगा वो हो जाता है आपके थर्ड, ओके, देखिएगा।
क्षारीय धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम क्यों होते हैं? तो इनमें देखिएगा इंटर एटॉमिक बॉन्ड बॉन्ड्स आर वीक, मतलब जो अंतरा परमाणु बंध है वो दुर्बल होते हैं, लो आईपी होती है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, स्मॉलर एटम साइज या एटॉमिक साइज। तो अपन कहेंगे कि अंतरा परमाणु बंध क्या होते हैं, इनमें दुर्बल होते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिथियम धातु ज्वाला परीक्षण में कौन सा रंग देती है? तो देखिएगा, लिथियम धातु जो है वो क्रिमशन रेड कलर देती है, लाल रंग देती है। ओके, कौन सी क्षारीय धातु की विकिरण ऊर्जा अधिकतम होती है? लिथियम की, सीजियम की, सोडियम की, पोटेशियम की। तो यहां पर सीजियम की, टॉप टू बॉटम। ओके, आइए वर्ग के मतलब फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जन का क्षेत्र है वो होता है विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, इन ऑल रीजन्स। तो अपन कहेंगे दृश्य प्रकाश या दृश्य क्षेत्र, फर्स्ट आंसर इसका जाएगा। निम्नलिखित में से फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में से फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका बना होता है? लिथियम सोडियम का, सोडियम पोटेशियम का, पोटेशियम सीजियम का और रुबिडियम सीजियम का। तो यहां जाएगा पोटेशियम सीजियम, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। पोटेशियम और सीजियम का इलेक्ट्रोड जो होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम में लिया जाता है। क्षारीय धातुओं के रासायनिक गुण देखिएगा, फर्स्ट की बात करते हैं रासायनिक गुणों में अपन यहां पर, तो देखिएगा क्षारीय धातुओं में जो रासायनिक गुण धर्म है वो देख लेते हैं। क्षारीय धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है क्योंकि इनका आकार अधिक व आयनन एंथैल्पी कम होता है। क्या हो जाता है? आकार तो अधिक हो जाता है और आईपी कम हो जाने की वजह से इनकी क्रियाशीलता का मान बढ़ जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय धातुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी क्रियाशीलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। देखिएगा यहां पर लिथियम टू फ्रेंसियम चलते हैं तो इनकी इंक्रीज इन रिएक्टिविटी, ओके, रिएक्टिविटी ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। ओके, फिर देखिएगा यहां पर बात आती है ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता की। तो अपन कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, मतलब मलिन हो जाते हैं। तो क्षार धातुएं वायु की उपस्थिति में मलिन हो जाती हैं क्योंकि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के प्रति इन पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है, या आप यूं कह सकते हैं कि ये ऑक्साइडों का निर्माण करती है और हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करती है। जैसे अपन बात करते हैं कि ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब हो जाएगा शुष्क वायु, शुष्क वायु के साथ ये ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड्स का निर्माण करती हैं। और मॉइस्चराइज्ड एयर, मॉइस्चराइज्ड एयर की बात करें, नम वायु, नम वायु में ये हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये ऑक्सीजन में तीव्रता से जलकर ऑक्साइड बनाती हैं। ओके, लिथियम और सोडियम मोनोऑक्साइड तथा परोक्साइड बनाते हैं। जैसे यहां पर रिएक्शन दी गई है कि 4 लिथियम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर 2Li2O मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये देखिएगा लिथियम ऑक्साइड, जिसे आप मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। फिर देखिएगा, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में सोडियम मोनोऑक्साइड बनाता है तथा ऑक्सीजन के आधिक्य में परोक्साइड बनाता है। देखिएगा जैसे ही 4Na+O2 लिमिटेड लिया जाता है तो यह मोनोऑक्साइड बनाएगा, और यदि एक्सिस में ले लिया जाए तो सोडियम किसका निर्माण करता है? परोक्साइड का निर्माण करता है। ओके, अन्य धातुओं द्वारा सुपरऑक्साइड आयन का निर्माण होता है। सुपरऑक्साइड आयन O2- बड़े धनायनों जैसे K+, Rb+ तथा CS+ की उपस्थिति में स्थायी होता है। कौन? O2-, अर्थात अपन कह सकते हैं K+, Rb+ और CS+
O2 माइनस के स्थायित्व को बढ़ाता है। और एक्सिस में जब इन तीनों धातुओं के आयनों की अभिक्रिया करवा दी जाती है तो ये सुपर ऑक्साइडों का निर्माण कर लेता है, जैसे KO2 बनाता है, RbO2 बनाता है और CsO2 बनाता है। ओके, एम क्या हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन सभी ऑक्साइडों में क्षार धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्सीजन इन के ओ टू? यहां पर देखिएगा, ओ टू माइनस इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होता है, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है पाई स्टार 2p ऑर्बिट में। ओके, नोट देखिएगा, लिथियम अपवाद स्वरूप वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से क्रिया कर लिथियम नाइट्राइड, या यूं कह सकते हैं क्रिया कर नाइट्राइड बनाता है, जैसे लिथियम नाइट्राइड Li3N। क्षार धातु को वायु एवं जल के प्रति उनकी अति सक्रियता के कारण केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो देखिएगा, अपन कह सकते हैं जैसे पोटेशियम को, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है और लिथियम को आजकल इन्हें वैक्स में भी रखा जाने लगा है, मोम वैक्स में रखते हैं। प्रॉब्लम देखिएगा, यहां पर KO2 में K की ऑक्सीकरण अवस्था, सुपर ऑक्साइड को O2 माइनस से दर्शाया जाता है क्योंकि यौगिक उदासीन है, अतः इसमें K की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। क्या होगा जब क्षार धातुओं को जल के साथ अभिकृत किया जाए? आंसर देखिएगा यहां पर, सॉल्यूशन, क्षार धातुएं जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोक्साइडों तथा हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती हैं। तो देखिएगा, एम धातुएं हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है? मैग्नेशियम, सोडियम, सीजियम और कैल्सियम। तो यहां पे क्रियाशील हो जाएगी सीजियम। फर्स्ट ए वर्ग की धातुएं सर्वाधिक क्रियाशील क्यों होती हैं? स्मॉल साइज और लो आईपी की वजह से, लार्ज साइज और लो आईपी की वजह से, लार्ज साइज और हाई आईपी की वजह से, स्मॉल साइज और हाई आईपी की वजह से, या आईई की वजह से। तो सेकेंड आंसर इसका जाएगा लार्ज साइज और लो आईई की वजह से। कौन सी धातु सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती? तो अपन कह सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। कौन सी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती? लिथियम। क्षार धातुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है? प्योर वाटर, ऑयल, डिस्ट्रीब्यूटेड, केरोसिन, पेट्रोल। तो केरोसिन में। क्षार धातुएं जल से क्रिया कर कौन सी गैस निष्कासित करती हैं? Cl2, N2, O2, H2। तो H2।